नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता चौहान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट, इस पुस्तक के अंतर्गत अब तक प्लेटो, अरस्तु, अगस्टाइन, थॉमस एक्विनास, मैकियावेली के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स के विचारों के बारे में। स्टूडेंट्स, आप सभी ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का नाम अवश्य ही सुना होगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों में हॉब्स, लॉक, रूसो का नाम महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें भी संप्रभुता का प्रथम प्रामाणिक व्याख्याता के रूप में हॉब्स को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। यूं तो हॉब्स से पूर्व बोंदा ने सम कहा था कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन या सीमा नहीं है। लेकिन इतना अवश्य था कि प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, ईश्वरीय कानून और संपत्ति की रक्षा करने का व्यक्ति का अधिकार संप्रभुताएं की सीमाओं को निर्धारित करते हैं। लेकिन यह जो सिद्धांत था वो अस्पष्ट और असंगतिपूर्ण था, क्योंकि संप्रभुता की धारणा का पूर्ण रूप से विश्लेषण जो है वो बोंदा के द्वारा नहीं किया जा सका। यह जो कमी थी उसे हॉब्स ने अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरा किया, और हॉब्स ने राज्य के निरंकुश स्वरूप का क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया और प्रभुसत्ता को समस्त बाधाओं व सीमाओं से मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हॉब्स प्रथम विचारक रहा जिसने संप्रभुता के ऊपर प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत किए, संप्रभुता का प्रामाणिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। हॉब्स संप्रभु का पद उस व्यक्ति समूह को देता है जिसे लोग अपने अधिकार हस्तांतरित करते हैं। हॉब्स के लिए संप्रभुता राजनीतिक जीवन का एक तथ्य है। जहां कहीं भी नागरिक या राजनीतिक समाज पाया जाता है वहां संप्रभुता होनी चाहिए। उसके अभाव में राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। हॉब्स ने जो प्रमुख पुस्तकें लिखीं उनमें लेवाइथन, डी सीवे, डी होमाइन, डी कारपोरे ये प्रमुख थीं, और उनमें भी लेवाइथन जो था वो हॉब्स का प्रसिद्ध ग्रंथ रहा था। उसी में उन्होंने संप्रभुता के बारे में विस्तार से चर्चा की है। हॉब्स ने जो संप्रभुता की धारणा प्रस्तुत की उसके अंतर्गत कुछ विशेषताएं जो हैं वो प्रतिपादित की गई हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। उन विशेषताओं में आता है, पहली, संप्रभुता असीमित। संप्रभुता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी असीमितता है। संप्रभुताधारी जो ईश्वरीय, प्राकृतिक या अन्य किसी भी कानून से बाध्य नहीं होते, राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञाएं होते हैं और वह उनसे ऊपर होता है। उस पर अगर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाया जाएगा तो फिर उसे संप्रभु नहीं कहा जा सकता। वह किसी भी प्रकार के अनुबंध के अंतर्गत बाध्य नहीं है, क्योंकि वह उस अनुबंध में किसी प्रकार से भागीदार नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो संप्रभु जनता का प्रतीक है और समस्त व्यक्तियों को वह अपने में धारण करता है। संपत्ति की सृष्टि भी संप्रभु करता है, क्योंकि संपत्ति के कानूनी अधिकार का जन्म राज्य के साथ ही हुआ है। संपत्ति का सृष्टा संप्रभु होने के कारण संप्रभु जब चाहे व्यक्ति से उसकी संपत्ति को वापस ले सकता है। इस प्रकार हॉब्स ने संप्रभुता की
असीमितता का वर्णन किया है और वह कहता है कि जो कुछ भी राज्य के द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार है उचित और न्यायपूर्ण है और जो भी उसके विरुद्ध है वह अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनैतिक है। यानी उसने हर चीज़ से नैतिकता, अनैतिकता, शुभ, अशुभ इन सब से संप्रभु को परे बताया है। दूसरी जो विशेषता संप्रभुता को लेकर हब्स के द्वारा प्रतिपादित की गई है वह है संप्रभु न्याय का स्रोत। हब्स के अनुसार न्याय का एकमात्र स्रोत संप्रभु है। शासक को न्याय का स्रोत कहकर हॉब्स ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन किया है। अर्थात वह इस बात को स्वीकार नहीं करता कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रकार वह शक्ति विभाजन और नियंत्रण और संतुलन के लिए किसी भी प्रकार का अपनी विचारधारा में कोई स्थान नहीं रखता। तीसरी जो विशेषता है वह है प्रशासनिक शक्तियों का स्रोत। हॉब्स का संप्रभु समस्त प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। वह पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, उनको क्रमबद्ध तरीके से श्रेणी विभाजित करता है और समस्त अधिकारी उसके द्वारा जो प्रदत्त शक्तियां होती हैं उन्हीं का उपभोग करते हैं। चौथी जो विशेषता बताई है वह अधिकार केवल संप्रभु में निहित। हॉब्स राज्य में विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या किसी भी समुदाय को अधिकारों को स्वीकार नहीं करता है और वह कहता है कि व्यक्ति और समुदायों के अधिकार का एकमात्र स्रोत जो है वह संप्रभु है। बाकी के जो लोग हैं उन्हें केवल वे ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जिन्हें संप्रभु देना चाहे। व्यक्ति या समुदाय संप्रभु के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अधिकार का दावा भी नहीं कर सकते। अगली जो विशेषता बताई है वह है युद्ध और शांति का निर्णायक। हॉब्स ने न केवल आंतरिक क्षेत्र वरन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभुता की असीमित शक्ति का समर्थन किया है। वह कहता है कि युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णय लेने का अधिकार किसको है? केवल संप्रभु को है। संप्रभु के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ युद्ध, शांति या समझौते का मार्ग भी अपनाया जा सकता है। उसे अपनी इच्छानुसार सैनिक शक्ति के प्रयोग का अधिकार भी प्राप्त है। अगली विशेषता है संप्रभुता अविभाज्य और अदेय। हॉब्स ने जिस संप्रभुता की बात कही है वह अविभाज्य और अदेय है। यानी उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, किसी को दिया नहीं जा सकता। यदि वह ऐसा करने का प्रयत्न करता है तो संप्रभुता नष्ट हो जाएगी। अगली विशेषता सर्वव्यापी क्षेत्राधिकार। संप्रभुता का जो क्षेत्राधिकार है वो सर्वव्यापी बताया है। कोई भी व्यक्ति या समुदाय इससे मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। यानी सभी व्यक्ति, सभी समुदाय के लोग जो हैं वो उस संप्रभु के अधीन हैं और वो उससे मुक्त नहीं हो सकते। और अंतिम विशेषता जो कि हॉब्स ने बताई है संप्रभु समस्त विधियात्मक कानूनों का स्रोत। हॉब्स के संप्रभु की महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह समस्त विधियात्मक जो कानून होते हैं उनका एकमात्र अंतिम स्रोत होता है। संप्रभुता का संक्षिप्तीकरण इसी बात में है कि किसी व्यक्ति समूह को समस्त समाज की ओर से यह निर्णय करने का अधिकार हो कि समाज की शांति और सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। इस प्रकार समस्त प्रजाजन के लिए मान्य होने वाले कानूनों का निर्माण जो है वो संप्रभु के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए संप्रभु को कानूनों का व्याख्याता भी कहा गया है।
तो इस प्रकार हमने हॉब्स के संप्रभुता के संदर्भ में विचारों को देखा, जिसमें कि उसने संप्रभु को असीमित शक्तियां प्रदान की हैं, वो प्रशासनिक शक्तियों का उपभोग करता है, विधेयात्मक कानून जो होते हैं उनका उनका उपभोग करता है, न्याय का अंतिम स्रोत है, समस्त अधिकार जो होते हैं वो उसमें निहित होते हैं, न सिर्फ आंतरिक मामलों में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी युद्ध शांति का निर्णय करने वाला भी संप्रभु होता है, उसकी शक्तियों का विभाजन नहीं किया जा सकता और वह सब पर समान रूप से लागू होती हैं। हॉब्स के द्वारा जो संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, इसकी आलोचना भी की जाती है और जो आलोचक हैं वो इसे अस्वीकार करते हैं और इसे अवास्तविक बताते हैं। आलोचक ये मानते हैं कि कोई भी वास्तविक प्रभुसत्ताधारी जो होगा वो इस प्रकार की निरंकुश और असीमित शक्तियां नहीं रखता। इस सिद्धांत पर दूसरा जो आरोप है वो वाहन जैसे आलोचकों के द्वारा लगाया गया है और उन्होंने हॉब्स के संप्रभुता को खतरनाक कहा है। क्यों कहा है खतरनाक? क्योंकि इसके माध्यम से वह पशुवत निरंकुशता की स्थापना करता है, जिसमें प्रजा का दमन होता है और इस प्रकार के जो आततायी शासन होता है इसके विरुद्ध व्यक्ति को, प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं दिया जाता। हालांकि हॉब्स के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना की गई, लेकिन इन आलोचना में कोई महत्वपूर्ण औचित्य समझ में नहीं आता। स्वयं हॉब्स ने इस बात को स्वीकार किया कि अधिकांश जो संप्रभु होते हैं वो इस प्रकार की व्यापक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। निरंकुश संप्रभुता का समर्थन इसलिए किया उसने कि वह सामाजिक सुरक्षा और व्यक्ति के कल्याण के लिए संप्रभुता को आवश्यक मानता है। यदि शासक इस उद्देश्य की पूर्ति की सामर्थ्य न रखता हो तो वह जनता को उसकी अवज्ञा करने का अधिकार भी देता है। यानी हॉब्स ने शासक को संप्रभु शक्ति का एकमात्र स्रोत माना है, समस्त शक्तियां उसमें निहित की हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि अगर शासक अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं होता तो जनता को उसका विरोध करने का अधिकार दिया जा सकता है। इस तरह संप्रभुता के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या करने वाला हॉब्स पहला राजनीतिक विचारक है। हॉब्स के द्वारा संप्रभुता की जो ये विवेचना की गई है यह व्यवस्था विशेष को न्यायोचित करने के लिए नहीं है, वरन संप्रभुता को राजनीतिक जीवन का आधारभूत तथ्य स्वीकार करके की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हॉब्स ने संप्रभुता की जो परिभाषा व्यक्त की है, जो विचार प्रस्तुत किए हैं, वो अपने आप में इतने प्रामाणिक हैं, इतने सटीक हैं कि यह माना गया कि संप्रभुता के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या करने वाला एकमात्र पहला राजनीतिक विचारक हॉब्स ही रहा।